तो गाइस नानू इधर गिर चुका है किरे मंडार दातार दा कोई तो हमारी बाइक को ठोक के चला गया है। आज पहुंचेगा भाई पहुंचेगा जा So, hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are doing well. So guys, आज ना है सैटरडे तो अभी हम जा रहे हैं राइड के लिए। हम इसने बोला क्योंकि मेरे और भी साथी जा रहे हैं तो मुझे दौड़ा मार्ग में वेट कर रहे हैं मेरा अभी तो और मेरे साथ चल रहा है विराज। मैं पिलियन लेके जा रहा हूँ और शायद से और कोई पिलियन लेके आएगा तो यार अभी ना मुझे पहले ही लेट हो चुका, मतलब अभी 8:15 ऐसा कुछ बज गए होंगे क्योंकि मैंने घड़ी भी नहीं पहनी है। मेरे हिसाब से मैं टाइम बोल रहा हूँ और टाइम दिया था हमने 8 बजे पहुँचने का तो मैंने उनको बोला है कि 8:30 तक मुझे वेट करो, आई विल बी देयर एट गौड़ा मार्ग। और मेरा पैसा है कि फ्यूल अप भी नहीं किया है, मतलब पेट्रोल है या नहीं ये भी नहीं मालूम है तो वो तो मुझे ना आगे चल के पता चलेगा तो पेट्रोल का सब देखा जाएगा बाद में। तो आज मैं ना ऐसे कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ आज मंगेली वाटरफॉल्स, अभी ना मैं विराज के यहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। मैंने बोला था विराज का कि यहीं पर वेट करना, अभी मुझे ही जाना पड़ा अंदर। ये लड़का ना टाइम का पंक्चुअल नहीं है। यो 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 तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अभी और हे रही हमारे सब बाइक्स। कितने जन है? 1, 2, 3 और मैं 4 और 1, 5। शांताराम भाई, शुभम भी पहुंच चुका है, चंद्रकांत भी, गुरु तो पहले से ही था और ये रही हमारी शांताराम भाई की बाइक। शायद से ये लोग ना ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं तो चलते हैं अभी उनके पास। गाइस शांताराम इन द हाउस एंड गुरु भैया, गुरु बाकी जाओ साइड ही आ रहे हैं। रजत हेलो, चंद्रकांत हेलो, शुभम हाय, किरण दा शिरा खाओ, शिरा भी नहीं मिला इधर तो मेरी अभी कॉफी आने वाली है। ये शिमला में टैकेट देखो। तो गाइस ऑल सेट, तो अभी ना हम निकल चुके हैं, चाय ब्रेक के लिए रुके थे और वहीं पे सब लोग मिल गए तो या अभी निकल रहे हैं, मतलब वो सब आगे चले गए, मैं रेनकोट डाल रहा था इसलिए थोड़ा पीछे छूट गया। तो गाइस मुझे ना अभी ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, अब तक तो नहीं हुई बारिश, मतलब जब मैं घर पे था तब बारिश हो रही थी बहुत बड़ी वाली, फिर आगे देखेंगे अगर बारिश हुई तो कैमरा अंदर रखना पड़ेगा और कुछ छूट भी नहीं कर पाऊँगा। मैं अभी बारिश से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जब तक हम मंगेली ना पहुँचे बारिश मत करवाना भाई, बाद में आ जाओ, पहले हमको मंगेली सेफली पहुँचने दो। वाओ गाइस नज़ारे देख लो ऐसे, मतलब ये रहा कसैनाथ, तो इस साइड में ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और हमारे लिए खतरा है, खतरा मतलब शूट करने को नहीं मिलेगा इसलिए खतरा, और राइड करने के लिए कोई खतरा नहीं है। बस जो मैं देख पा रहा हूँ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, इसी की दिक्कत है, नहीं तो ऑल गुड। शिट गाइस बारिश, कैमरा को अभी ढक के रखना पड़ेगा, इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है और आई होप कि ये मेरा ना मतलब कि एंगल है वो विजिबल है। यह हमारा दूध वाला गुरु, सॉरी गुरु बस मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना। गाइस हैवी बारिश हो रही है और गाइस आपको ना ऐसा पूरा फ्रेम ना आपको क्लीन दिख रही है तो गाइस थैंक्स टू मी और थैंक्स टू माई पन्नी, मैंने ऊपर पन्नी डाली है उससे जुगाड़ कर रहा हूँ और ना ऐसा बारिश में मैं मोटरबाइक कर ही नहीं सकता तो ये मैंने एक जुगाड़ कर दिया है। तो अगर आपको बारिश में भी मेरे ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं ना बारिश में भी तो इसी बात पे गाइस ठोको सब्सक्राइब, ठोको लाइक तो नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि लाइक तो आप सब लोग ठोक रहे हो, सब्सक्राइब करो गाइस सब्सक्राइब, 2000 मुझे जल्द से जल्द करवाने हैं मेरे सब्सक्राइबर, 2000 के लिए गाइस जो भी मिलता है सब्सक्राइब करो। और जो गाइस मेरा ना दोस्त लोगों से प्यार मिल रहा है मुझे, मतलब जो मैं ब्लॉग डालता हूँ भाई जो बाद में सब व्हाट्सएप पे वो शेयर करते हैं ना भाई, मुझे दिल से अच्छा लगता है, मतलब थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है गाइस, सब लोग मेरी स्टोरी लगाते हैं, जब वीडियो पोस्ट करूँ उसके बाद मेरे सब लोग स्टोरी डालते हैं, मतलब यही कहूँ गाइस ऑल थैंक्स टू यू ब्यूटीफुल पीपल। और गाइस जल्द से जल्द ना मेरे अभी 2000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दो, फिर होगी एक पार्टी छोटी वाली
ये रहा हमारा ऑफ रोड पैच, हमारा नहीं इस वे का। भाई मेरी ना हिंदी थोड़ी इधर ना, मेरी हिंदी ना इतनी भीग है कि व्लॉग के कारण मुझे करनी पड़ रही है। मतलब व्लॉग में हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदी ना सबको समझ में आती है। अगर मैं कोंकणी में करूँगा तो शायद से थोड़े लोगों को समझ में आएगा, और जो मुझे बाहर से भी देख रहे हैं मतलब आउट ऑफ स्टेट से, उनको तो क्या ही समझ में आएगा कोंकणी का। इसलिए हिंदी कर रहा हूँ, थोड़ी मेरी हिंदी टूटी फूटी है, पर गाइस एडजस्ट कर लेना, वो आगे आगे ना मेरी हिंदी इम्प्रूव भी हो जाएंगी। क्या ही मज़े आ रहे हैं, पूरी बारिश आ रही है, और गाइस ये मज़े ना नेक्स्ट लेवल ही है। सारा ना शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, कहाँ से तो ऊपर नीचे से कुछ तो दिखेगा। ओ भाई एसटी वाला आया घर से कचरा निकाल दे साले, अरे वाला आया। ओ भाई ये तो हम भी चिल्ला रहे है, किरे मंडार तापता रे, ये बूढ़ा ना ज़्यादा बकवास कर रहा है। मतलब कंडक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, पर ये बूढ़े का हमको सुनना पड़ रहा है भाई। सारा बूढ़ा ना शुभम पे चिल्ला रहा था भाई, पीछे लो करके आराम से भी बता सकता है ना। ये देखो इतना कितना बड़ा टर्न है, क्या ही कर सकते हैं अगर एसटी आ गई तो। सादे तांबड़ी एसटी, छोड़ो ज़्यादा इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, पूरा राइड पे फोकस रहेगा। क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं बारिश में भी शूट कर रहा हूँ इसलिए वो नहीं दिख रहा है, और आगे ना सब फॉग फॉग ही है। तो अभी रुकते हैं शुभम के लिए। वाओ गाइस नज़ारे देखना, नज़ारे और हमारे सब राइडर्स आगे चले गए, मुझे छोड़ के सिर्फ मैं शुभम और मेरे एक दोस्त की मम्मी डैडी आई है, वो पीछे कार में है। And guys, wow, ये क्या ही मस्त फीलिंग है guys, full power, तो भाई ये देखो ये सब इधर ही, हमको मेरे को दिखा भी नहीं है, सब लोग इधर ही थे पर कुछ भी नहीं दिखा। तो guys नानू इधर गिर चुका है। नानू कैसे गिरा? पानी निकल रहा है। पानी किधर गिर गया तू? झूठ मत बोलो अभी। तो guys इनको देख लो सबको, विराज। तो गाइज यहाँ पर सब बाइक का लाइनअप है, देखो इंटरसेप्टर इसकी 500, सब गाइज इधर मज़े कर रहे हैं, और फॉगी फॉग शायद से हम इधर एक रील भी शूट करेंगे, देखते हैं क्या रील हो सकता है। मतलब काफ़ी बाइकर्स का ड्रीम होता है कि ऐसे पहाड़ों पे जाके डांस करने का, तो आज हम वो भी करेंगे। तब में ये भी लगानी है, ये पटाखे फोड़ने वाली बाइक। गाइज इसका नाम पता है तो गाइज कमेंट कर दो, पटाखे फोड़ने वाली बाइक है नानू की। इसको लेते हैं पीछे। ओ भाई ओ गाइस नानू की मैं पहले बार चला रहा हूँ ये बाइक, पटाखे गाइस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मांगेले के गांव में हम अभी, और शायद से मेरी बाइक रिजर्व पड़ने वाली है, पेट्रोल फिलअप नहीं किया था, तो अभी देखेंगे ठीक ठाक से मैं घर पहुंच जाऊं, घर मतलब दड़ा मार तक पहुँच जाऊँ, बाद में मैं फिलअप कर सकता हूं। और अभी तक ना कोई भी भीड़ नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई लोग ज़्यादा नहीं है, आज सैटरडे फिर भी लोग नहीं है। और गाइस आप आना चाहते हो तो जल्द से जल्द आइए, नज़ारे इंजॉय करिएगा। फुल पावर गाइस, अरे फुल पावर ना मेरे मुंह पे लाइक ऐसा स्टिकी हो गया है, तो हर बार वो ही वर्ड निकलता है फुल पावर। तो गाइस आपको भी ये शॉर्ट्स ना अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करिएगा फुल पावर। मांगेली धबधबा, हम ना अभी पहुंचने वाले हैं मांगेली धबधबा, और धबधबे से पहले आप एक क्लाइमेट देख लेना गाइस, मस्त है, मस्त कतई मस्त गाइस, मैं क्या ही बोलूं, ऐसी जगह पे पहुंच के ना मेरे पास कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए, और फिर भी वो हिंदी में बोलना पड़ता है मुझे। हिंदी में तो मेरे लिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोंकणी में तो मैं बोल सकता हूँ। वाओ
चलो बीच बीच में मैं कोंकणी बोल दूंगा क्योंकि हिंदी में एग्जैक्ट वही वर्ड नहीं आएंगे ना मुझसे, तो मैं कोंकणी में बोलूँगा, आप लोग तो समझ ही जाओगे। आज डेट है 8 जुलाई, तो ये 8 जुलाई की सीन है। मुझे मालूम नहीं ये व्लॉग कब आएगा, थोड़ी देर से भी आ सकता है, मतलब 8 तो 15 तारीख को भी आ सकता है, देखेंगे। गाइस ये ऊपर के सीन चेक कर लो एक बार, 1 2 3 एक इधर चुप गया, ओ भाई एक इधर गया, हाँ ये देखो तीसरा। वाओ गाइस, और मैं शुभम और विराज इधर भी थे, और विराज को देखो एलियन जैसा लग रहा है, जादू। तो गाइस हमको ना ये कर्नाटक वाले बंदे मिल चुके हैं, मतलब ये कुछ सड़ा वाटरफॉल जा रहे हैं, तो इनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे मंगेली वाटरफॉल्स है। फिर यहाँ पे गाड़ी रुका के जाना पड़ेगा? नहीं नहीं रास्ते पे दिखता है। अच्छा रास्ते पे? हाँ अभी अभी इधर का सीजन नहीं चालू हुआ, नहीं तो यहाँ पे पार्किंग करना पड़ता था पहले। तो सड़ा में उतर सकते हैं ना? हाँ सड़ा में थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, पर मंगेली नीचे ही मंगेली फॉल्स है। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? हाँ बेलगाव। तो गाइस ये ना सब बेलगाव के राइडर्स है, से हाय। तो गाइस ये ना जा रहे सड़ा वाटरफॉल, और मैं इनको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे जाते हैं। भाई पीछे मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे, पीछे मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे। तो गाइस गुरु ना यहाँ पर कुछ स्कैम करना चाहता है, गुरु बोलो। हमारे थोड़े लोग भाई लोग आए हैं, उनकी हम एंट्री लेना चाहते हैं 100-100 रुपए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, एंट्री नहीं गाइस, इतना चार्ज अगर आप फीस देना चाहते तो मुझे ही दो 100-100 रुपए, तो फीस दे जाते तो मजा आता भाई। सब आप बेलगाम से ही हो? हाँ बेलगाम से। 100 रुपए सबके, एंट्री 100 रुपए डाले भाई, क्या इतना तो इतना मत करे सर उनके साथ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंगेली, और ये पीछे रहा मंगेली का वाटरफॉल, पूरा फॉग वगैरह तो नहीं दिखेगा। अभी मैं चलता हूँ ऊपर, और ऊपर से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस ये है मंगेली का वाटरफॉल, मोबाइल में देख लो। तो गाइस ऐसा कुछ जाना पड़ता है ऊपर, स्लिपरी बहुत है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। 12 क्या 13 भी लग जाएगा बाद में। तो गाइस अभी ना ऊपर आते आते सांस फूल गई थी, मतलब कि बहुत ही चढ़ाई है यहाँ पे, और थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा है अभी क्या ही करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ऊपर पहुँचने के लिए ना बहुत टफ है, और अभी हम जा रहे हैं, वो भी मैं दोनों पैरों से जा रहा हूँ, मेरे हाथ को गाइस एक हाथ में हेलमेट एक हाथ में फ़ोन। भाई ऊपर पहुँचते पहुँचते फट चुकी है, मेरे को देख लो मैं इधर बैठ ही गया भाई, ख़त्म हो गए ऊपर पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गए। रुको रुको दिखाता हूँ आपको, ये देख लो तूफान गाइस, तूफान है आगे गाइस, ये देख लो तूफान ऊपर, और ये हमारे जादू भाई। आज पहुंचेगा भाई? पहुंचेगा जादू कर लो, ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर का व्यू गाइस, नीचे जाने के स्ट्रगल देखो, इतने स्ट्रगल ऊपर जाने वक्त किए थे। और गाइस अभी हम ना ऊपर से नीचे आ गए हैं, और ये देख लो नीचे आ रहे हैं, मतलब यहाँ तो काफी लाइक फोटो भी खींच सकते हैं। कुल्ले सोता कुल्ले कुल्ले। तो भाई ने आज ब्लॉग नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया, मेरा ही ब्लॉग आएगा, तो इसके सब्सक्राइबर्स मेरे ऊपर आ जाओ, तब मेरे ज्यादा लोग पागल हो गए, ये पागल हो गए, घर में पानी नहीं है क्या? घर में पानी नहीं है। अभी ना हम उतर रहे हैं नीचे मंगेली फॉल से, तो अभी ना सेफली इधर से नीचे जाते हैं, और डायरेक्टली नीचे मिलता हूँ मैं आपको।
कैसा लगा वाटरफॉल? एक नंबर। ओके, हम दोनों लोगों ने ज्यादा मजा किया। हाँ वो भी सही है। देखा देखा सब। गाइस यहाँ पे ना थोड़े रील्स शूट करेंगे तो निकलते हैं। मैडम रेडी है रील्स के लिए। तो गाइस गुरु हटो वहां से। तो गाइस अभी ना ऐसा है कि मुझे ना यहाँ पर बाइक पे बैठ के फोटो खिंचवाने दे, पर ये लड़की ना अपना वड़ा पाव एंजॉय कर रही है। बेस्ट कॉम्बिनेशन, वाटरफॉल एंड वड़ा पाव। बट चाय चाय इज मिसिंग। पर ये लड़की ना गाड़ी में से हट भी नहीं रही है। तूने गाड़ी मार दिया ना। हाँ गाड़ी मार दिया। क्या मार दिया? देखना क्या मार दिया। बाद में सब मेरे हिंदी का पकड़ा गया। देखना पकड़ा। तो गाइस यहाँ पे ना कोई तो हमारी बाइक को ठोक के चला गया है। ये देख लो बड़ा एक्सीडेंट। गाइस बस एक मजाक था बस। तो गाइस अभी ऐसा है कि हम निकल रहे यहाँ से। बाय बाय टू मंगेली वाटरफॉल। और ये जो पुलिस वाले हैं उन्होंने हमको पकड़ लिया था इधर। मतलब बाइक के आवाज़ तो और कोई कर रहा था, मतलब जो दूसरी गैंग थी वो आवाज़ कर रही थी, पर पकड़ हमें दिया। पर हमने उनको बोल दिया कि भाई हमने आवाज़ कर रहे थे, ग्रुप दूसरा ही आया था, हमने आवाज़ ही नहीं किया यहाँ पर। तो या गाइस बाकी ये सब आगे निकल चुके हैं। तो यस अभी चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी ना इधर रुके हैं, तो यहाँ पे दो तीन फोटो खींचेंगे इसलिए रुके हैं। तो गाइस अभी ना ऐसा है कि हमारा खाना हो रहा है रेडी। लो हमने ना पहले ऑर्डर दी थी, तो यस खाना ऑर्डर होते ही पेट पूजा करेंगे और निकलेंगे फिर यहाँ से। तो गाइस अभी ना ऐसा है कि सब वो हमारी कैन थी ना वो चली गई आगे, क्योंकि मेरे ना मुझे दो दोस्त मिल गए थे तो उसके कारण मैं रुक गया इधर उनके साथ। तो साथ में जो आए थे वो चले गए और देखो हमें कौन मिला। गाइस ये रहे ये दो, हियर इज सनी एंड शेखर। ये दोनों हमें ना इधर मिल गए, मतलब ये भी वाटरफॉल पे आए थे। ये दोनों ना हमें यहाँ पर ही मिल गए थे, मतलब सनी ने मेरी गाड़ी देखी और रुक गए इधर। तो अभी ये दोनों खा रहे खाना, हमने तो पहले ही खा लिया था। तो यार गाइस अभी ना इधर तेज बारिश हो रही है, देख लो। तो अभी ना हम निकल रहे हैं, खाना खा के हो गया। सनी आया था इसलिए रुके थे। और ये है होटल, वो तो आज से ही चालू हुआ है। अगर आप भी इधर आके खाना खाना चाहते हो ना, तो ये रहा इनका बोट। और मैं लोकेशन दे देता हूँ, इस साइड में पड़ता है मंगेली वाटरफॉल। और जो ये मंदिर है, ये मंदिर के साइड में ये है होटल। तो गाइस ये देख लेना। और ये मेरी बाइक, निकलते हैं अभी। Two hours later. अभी ना ये था कि हम जो वाटरफॉल गए थे ऊपर आ चुके हैं। और मैं ना मेरा वीडियो यहीं पे करता हूँ एंड। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।